हेलो दोस्तों, एक एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का राज व्यवस्था चल रहा था, जिसमें हम देख रहे थे भाग चार के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व में हम अनुच्छेद 43 तक पढ़ चुके थे। अब उसी के आगे हम अनुच्छेद 44 को पढ़ेंगे। क्या अनुच्छेद 44, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें कहा गया समान नागरिकता संहिता का निर्माण। समान नागरिकता संहिता का निर्माण पहले लिख लेते हैं इसको। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था आर्टिकल 44, समान नागरिकता, समान नागरिकता संहिता का निर्माण, समान नागरिकता संहिता का निर्माण, समान नागरिकता संहिता का निर्माण। संहिता का निर्माण अब इसमें देखते हैं इसका मतलब क्या है, इससे आशय क्या है। इस अनुच्छेद से इसके अंतर्गत राज्य को समान नागरिक संहिता के, इसके अंतर्गत राज्य को समान नागरिक संहिता के गठन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य को समान नागरिक संहिता के लिए गठन का दिशा निर्देश जारी किया गया है। इतना देखते हैं। इसके अंतर्गत अंतर्गत राज्य को, इसके अंतर्गत राज्य को समान नागरिक संहिता का, इसके अंतर्गत राज्य को समान नागरिक संहिता का, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के लिए, संहिता के गठन के लिए, गठन के लिए, समान नागरिक संहिता के गठन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। गठन के लिए दिशा निर्देश, दिशा निर्देश जारी किया गया है, जारी किया गया है। यानी इसके अंतर्गत राज्य को यह प्रावधान किया गया है, यह इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य समान नागरिक संहिता के लिए गठन कर सकता है और उसे दिशा निर्देश जारी कर सकता है। जिसका अभिप्राय यह है कि, जिसका अभिप्राय यह है कि नागरिक मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार गोद लेना, उत्तराधिकार गोद लेना आदि मामलों में सभी धर्मों के लिए समान प्रकृति के नियमों को लागू करना, समान प्रकृति के नियमों को लागू करना। जिसका अभिप्राय यह है कि, जिसका अभिप्राय, जिसका अभिप्राय है कि नागरिक मामलों है कि नागरिक मामलों, मामलों जैसे, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार गोद लेना, उत्तराधिकार गोद लेना, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार गोद लेना आदि मामलों में सभी धर्मों के लिए, आदि मामलों में, मामलों में सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए, आदि मामलों में सभी धर्मों के लिए समान प्रकृति के नियमों का,
समान प्रकृति के नियमों का लागू करना, समान प्रकृति के नियमों का लागू करना, सभी धर्मों के लिए समान प्रकृति के, समान प्रकृति के नियमों को, नियमों को लागू करना, समान प्रकृति के नियमों को लागू करना। क्या प्रावधान किया गया है देख लेते हैं। इसके अंतर्गत राज्य को समान नागरिक संहिता के गठन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसका अभिप्राय है कि नागरिक मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि मामलों में सभी धर्मों के लिए समान प्रकृति के नियमों को लागू करने का प्रावधान इसमें किया गया है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हो गया होगा। अब इसी में देखते हैं फिर आगे और क्या प्रावधान किया गया है। गोवा एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता विद्यमान है। गोवा एक ऐसा राज्य है, गोवा एक मात्र मात्र ऐसा राज्य है जहां पर, जहां पर समान, जहां पर समान नागरिक संहिता क्या है विद्यमान है, समान नागरिक संहिता विद्यमान है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा शाहबानोवाद, सरलावाद, मुद्गलवाद, सारा बानुवाद आदि आदि में राज्यों को समान नागरिक संहिता के निर्माण हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है, परंतु अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा शाहबानोवाद सरला मुद्गलवाद शाहबानोवाद, सरला मुद्गलवाद, सायरा बानोवाद, आदि में राज्य को समान नागरिक संहिता के लिए, निर्माण हेतु दिशा निर्देश दिशा निर्देश जारी किया गया, परंतु अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है,
अभी तक इसे परंतु अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है, नहीं किया जा सका है। क्या प्रावधान किया गया? उच्चतम न्यायालय के द्वारा शाहबानोवाद, सल्ला मुद्गलवाद, सायरा बानोवाद आदि में राज को समान नागरिक संहिता के लिए, समान नागरिक संहिता के निर्माण हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है, परंतु यह अभी तक लागू नहीं हो सका है। गोवा एक ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, विद्यमान है। यह हमारा अनुच्छेद 44 कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं अनुच्छेद 45, उसके पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए हो गया वो। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 45, आखिर 45 इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रधान यह प्रावधान किया गया है कि निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निशुल्क तथा अनिवार्य, निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का प्रावधान यानी इसमें राज्य को 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों, 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य, निशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है, निशुल्क शिक्षा अनिवार्य इसमें किया गया है। राज्य इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया है, राज्य दिशा निर्देश जारी किया गया। यह कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 45 में इसके प्रकृति में बदलाव किया गया, परिवर्तन किया गया। देख लेते हैं, राज्य 6 से 14 वर्ष के लिए, राज्य को 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों, 14 वर्ष तक के बालकों को निशुल्क शिक्षा, चौदह वर्ष के बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा, निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का दिशा निर्देश जारी किया गया है, निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का, अनिवार्य शिक्षा का दिशा निर्देश जारी किया गया है, जारी किया गया है। यानी इसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य को 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का दिशा निर्देश जारी किया है। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से, यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 45 के, अनुच्छेद 45 के प्रकृति में परिवर्तन, अनुच्छेद 45 के
प्रकृति में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 45 के प्रकृति में परिवर्तन किया गया तथा राज्य को प्रारंभिक शैशवावस्था प्रारंभिक शैशवावस्था इतना नोट कर लीजिए, याद लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। चलिए राज्य को प्रारंभिक शैशवावस्था से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों को देखभाल के लिए तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का दिशा निर्देश जारी किया गया है। देखभाल 6 वर्ष तक के बालकों के देखभाल तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का दिशा निर्देश जारी किया गया। यानी 86वें संविधान संशोधन के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 45 के प्रकृति में परिवर्तन किया गया, लेकिन इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है हमारा शैशवावस्था से लेकर 6 वर्ष के बालकों को देखभाल तथा निःशुल्क तथा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। कौन किया है? राज्य किया है। इतना नोट कर लीजिए। चलिए इतना हो गया होगा। अनुच्छेद 45 हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे देखेंगे हम अनुच्छेद 46। अब इसको मिटा देते हैं, इरेज करते हैं पहले, इसके बाद देखेंगे। आर्टिकल हमारा 46 अनुच्छेद 46, इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की आर्थिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए राज्य को प्रयत्न करना चाहिए। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की
समाज की अन्य दुर्बल वर्गों के समाज की अन्य दुर्बल वर्गों समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की आर्थिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए दुर्बल वर्गों वर्गों के आर्थिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए आर्थिक शैक्षणिक उन्नति के लिए आर्थिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए राज्य को प्रयत्न करना चाहिए। उन्नति के लिए राज्य को प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? राज्य को प्रयत्न करना चाहिए। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के आर्थिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए राज्य को प्रयत्न करना चाहिए। यह अनुच्छेद हमारा 46 कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 47 इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब हम देखेंगे अनुच्छेद 47। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें यह प्रावधान किया गया है कि लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले कर्तव्य हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध इसमें किया गया है। प्रतिषेध करने का प्रावधान किया गया है। देखते हैं लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य सुधार के प्राथमिक लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानने तथा मादक पेयों व नशीले हानिकारक पेयों मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के हानिकारक नशीले
पदार्थों के हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किया गया है। पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध किया गया है प्रतिषेध किया गया है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार के प्राथमिक कर्तव्य मानने तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध किया गया है, यानी इसको रोकने का प्रयास किया गया है। यह हमारा अनुच्छेद 47 कंप्लीट होता है। आगे देखेंगे हम अनुच्छेद 48, उसके पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया वहां। आर्टिकल 48 यानी अनुच्छेद 48, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कृषि तथा पशुपालन का संगठन एवं गौ निषेध के लिए राज्य को कदम उठाना चाहिए। कृषि तथा पशुपालन कृषि तथा पशुपालन का संगठन एवं गौ हत्या पर क्या किया गया है? निषेध यानी रोक लगाया गया है। गौ वध लिख दें, उससे कुछ थोड़ा और भी ठीक रहेगा। गौ वध के निषेध के लिए राज्य को कदम उठाना चाहिए। यानी कृषि पशुपालन का संगठन एवं गौ हत्या यानी गौ वध को रोकने का जो प्रावधान है कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य इसे रोकने का प्रयास कर सकता है, रोकने का प्रावधान इसमें है अनुच्छेद 48 में। यह हमारा कंप्लीट होता है अनुच्छेद 48। अब देखेंगे आगे हम अनुच्छेद 49, आर्टिकल 49। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया गया है। संरक्षण किया है कौन करेगा? राज्य करेगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों जैसे जो पुरानी इमारतें हैं उसका संरक्षण कौन करेगा? राज्य करेगा। उसको बचाने का जो कर्तव्य है राज्य करेगा। जो पुराने स्थल हैं उसका भी संरक्षण राज्य ही करेगा।
अभी हमारा अनुच्छेद 49 कंप्लीट होता है, अब देखेंगे हम अनुच्छेद 50। उसके पहले इतना नोट कर लीजिए आप, चलिए हो इसमें क्या प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 50 में, इसको देख लेते हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य को लोक सेवाओं में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथककरण के लिए कदम उठाना चाहिए। राज्य को लोक सेवाओं में कार्यपालिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथककरण पृथककरण न्यायपालिका के पृथककरण के लिए कदम उठाना चाहिए। पृथककरण के लिए कदम उठाना चाहिए किसको, राज्य को लोक सेवाओं में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथककरण के लिए कदम उठाना चाहिए। यह हमारा अनुच्छेद 50 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 51। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं। चलिए हो गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाना चाहिए। कौन उठाएगा, राज्य। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिव्यक्ति के लिए कदम उठाना चाहिए। कौन उठाएगा, राज्य। भारतीय विदेश नीति की प्रारंभिक अभिव्यक्ति नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में होती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा का जो अभिव्यक्ति है उसके लिए कदम कौन उठाएगा, तो राज्य उठाएगा। यह हमारा अनुच्छेद कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें कुछ हमारा संविधान संशोधन है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो को हम आज यहीं रोकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।